Let's start question number 16. A cylindrical road roller made of iron is 1 meter long. तो एक cylindrical road roller है जिसकी length given है 1 meter की, और क्योंकि road roller है ये solid है, its internal diameter is 54 centimeter. अंदर का जो diameter है वो 54 centimeter है. And the thickness of the iron sheet used in making roller is 9 centimeter. Okay, तो ये हमारा सॉलिड नहीं है इसका मतलब, है ना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसका इंटरनल डायमीटर गिवन है, थिकनेस गिवन है. सो इट्स ओके. देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले बनाते हैं एक सिलेंड्रिकल रोड रोलर. आप चाहे तो इसको लैटरल फॉर्म में भी बना सकते हैं. इस सिलेंड्रिकल रोड रोलर के बारे में हमें इसका 1 मीटर लॉन्ग लेंथ पता है. इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर, रोड रोलर. सो 1 मीटर लॉन्ग, तो हमें इसकी हाइट पता चल गई. इंटरनल डायमीटर गिवन है, सो मान के चलते इसकी जो थिकनेस है विच इज़ गिवन 9 सेंटीमीटर की, तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ से हम थिकनेस छोड़ देते हैं और इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अंदर से खोखला भी है, तो कुछ इस तरह से, है ना. और इंटरनल डायमीटर का जो वैल्यू है उसको हम एक काम करते हैं, हम मेंशन करते हैं 54 सेंटीमीटर्स. ये सेंटीमीटर है, इसको भी कन्वर्ट कर दें तो ये भी हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है, और ये हो गया 54 सेंटीमीटर. थिकनेस 9 सेंटीमीटर है, थिकनेस मतलब ये वाली वैल्यू, ये 9 सेंटीमीटर है. यहाँ से यहाँ तक जो इसकी शीट, जिस शीट से ये बना हुआ है वो शीट 9 सेंटीमीटर मोटी है. तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो एक काम करते हैं इसको भी मीटर में फिर कन्वर्ट करते हैं. एक्चुअल में हमें सब कुछ सेंटीमीटर चाहिए ना, तो 9 सेंटीमीटर को हम 9 सेंटीमीटर ही छोड़ते हैं, तो सब सेंटीमीटर है. तो यहाँ भी ठीक है 9 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये हो गई इसकी थिकनेस. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता करना है इस रोड रोलर का मास, कि कितना हैवी है, है ना. इसकी हैवीनेस हमें इसके मास से पता चलेगी, और मास निकालने के लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है. सो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक काम करते हैं सभी चीज़ें पहले ही लिख लेते हैं. हमें सीधा मास कैलकुलेट करना है ना, सो लिखते हैं कि मास का फॉर्मूला क्या है. मास के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी इसका पर ग्राम का जो मास है वो. तो पर सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम मास होता है, तो आप चाहे तो सीधा यहाँ पर भी लिख दीजिए 7.8 ग्राम. ठीक है, तो फाइनली हमें ये वाला फॉर्मूला ऑब्टेन करना है. सो नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए हमें वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम एक सिलेंडर का नहीं निकलेगा. कौन सा वॉल्यूम निकलेगा, ये एक खोखला सिलेंडर है, होलो सिलेंडर होता है ना, तो होलो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाला जो सिलेंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें इस होलो सिलेंडर का वॉल्यूम पता चलेगा. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक होलो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच. मतलब दो सिलेंडर होते हैं, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों की रेडियस भी अलग अलग लेते हैं. तो बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस को मैं कैपिटल आर कह देती हूँ, और छोटे सिलेंडर के लिए मैं स्मॉल आर ले लेती हूँ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच. और फाइनली हमें वॉल्यूम मिल जाएगा जिसको हम 7.8 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए हाइट तो दोनों जगह सेम है, दोनों ही सिलेंडर की हाइट 100 सेंटीमीटर ही है, लेकिन रेडियस तो अलग अलग है. तो अब हम कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू भी यहाँ पर लिखते हैं. देखिए स्मॉल आर की वैल्यू का मतलब है जो अंदर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस, तो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस तो 54 की हाफ हो गई, तो आप लिख लेंगे स्मॉल आर की वैल्यू 54/2 विच इज़ 27 सेंटीमीटर. लेकिन अभी कैपिटल आर भी हमें चाहिए, यानी बाहर वाला जो सिलेंडर है उसकी भी रेडियस, तो बाहर वाले सिलेंडर के लिए हमें पूरा डायमीटर पता हो तभी निकलेगी, है ना. या एक काम करते हैं, ये तो 27 सेंटीमीटर हमारा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है ना, राइट. तो हमें कहाँ तक ऐड करना है, हमें इसके अंदर ये वाला भी चाहिए, तो ये पूरा सिलेंडर जो बाहर का है उसकी रेडियस मिल जाएगी. तो क्या हम 27 सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर ऐड कर दें, समझ आया क्या किया हमने. देखिए यहाँ तक सिर्फ इतनी सी जो रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक ये है 27 सेंटीमीटर,
इसमें हमने ये एक्स्ट्रा जो 9 है ना, इसको भी ऐड कर दिया, तो हमें पता चला कि जो कैपिटल रेडियस है, यानी बड़े बड़े वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो है 27 + 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया? अब ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में, लेकिन हमें पता है कि फॉर्मूला हम डायरेक्ट तो सॉल्व करते नहीं हैं, हम इसको पहले और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा ना कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पाई और एच कॉमन ले लेते हैं। पाई और एच कॉमन लिया, इस 7.8 को हम आगे लिख लेते हैं, क्योंकि ना फिर कैलकुलेशन में भूल ना जाए हम इसे, तो 7.8 को मैं पहले लिख लेती हूँ। इनटू अंदर से हमने पाई और एच भी कॉमन लिया, सो पाई और एच कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा मेरे पास? बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग है रेडियस, इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ा। नेक्स्ट है 7.8 इंटू पाई की जगह 22/7, और एच की जगह हम क्या वैल्यू लें? 100, राइट? अब ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना सीखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, जो कि होता है आर माइनस आर एंड आर प्लस आर। इजी, अब कैलकुलेशन और कम दिख रही है, बिल्कुल। देखिए अब ये जो वैल्यूज है इसको ऐसे ही लिखते चलते हैं, 7.8 इंटू 22/7 इंटू 100। आर माइनस आर का मतलब हमारे 36, देखिए कैपिटल आर की वैल्यू है 36, 36 में से 27 माइनस किया तो कितना आया? 9 आया, और दोनों को ऐड भी करते हैं, आर प्लस आर भी चाहिए हमें, तो दोनों को ऐड करने पर 36 और 27 दोनों रेडियस ऐड करने पर होगा 3, 6। ठीक है, अब कैलकुलेशन हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं और कर लेते हैं, ये बचा 9, 9 और 9 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुए तो बना 81, 81 को 22 और 7.8 से मल्टीप्लाई करना है, और 100 तो हमारे पास है। ठीक है, हंड्रेड के जीरोस मैंने लगा दिए, और ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होके आती है, एक सेकेंड, 13, 8, 9, 9.6। ठीक है, अब इस 100 की वजह से डेसिमल हमारी यहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई होके, है ना? नहीं, ये और इधर चली जाएगी, जिसका मतलब मेरे पास आंसर कुछ ऐसा बचेगा। या एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू ग्राम में आई है ना, इस वैल्यू को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोग्राम मतलब इस वैल्यू को हम 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, सो 1000 से डिवाइड करेंगे तो अब ये बन जाएगी किलोग्राम, तो मैं इसे किलोग्राम कर देती हूँ। दो जीरोस यहाँ पे ख़त्म, एक जीरो की वजह से डेसिमल हमारी यहाँ पर आ जाएगी, सो अब जो है आंसर हमारा बचेगा 138996। डेसिमल पहले यहाँ पर थी, नीचे 10 होने की वजह से डेसिमल यहाँ आ गई। ठीक है, तो आंसर बचा 1389.96, और अब ये आंसर किलोग्राम में है।